दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी जो है प्ले स्टोर के अंदर कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिल रही है कि आप लोग जब भी प्ले स्टोर पर कोई भी ऐप को परचेस करते हो तो आपका पेमेंट वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर इस तरह से एरर आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ था ट्रांजेक्शन वाज डिक्लाइंड। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है ट्रांजेक्शन वाज डिक्लाइंड की प्ले स्टोर के अंदर और आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करोगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जो शुरू करते हैं नेक्स्ट वोकास के। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग जब भी यहाँ पर पेमेंट करो तो आपको वहाँ पर जो भी डिटेल आप लोग फिल करो, जिससे भी आप लोग पेमेंट करो वहाँ पर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो फिल करनी है, ठीक है। मतलब आप लोग जिससे भी पेमेंट करो UPI नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड, तो आपको जो भी यहाँ पर डिटेल आप लोग फिल करते हो तो आप लोग सही करना है, मतलब आपको यहाँ पर सारी डिटेल एकदम करेक्ट फिल करनी है, ठीक है। पहला काम आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप लोग गलत फिल करोगे तो आपका पेमेंट इस तरीके से डिक्लाइंड नहीं हो, मतलब पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा और ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों बात कर देंगे अगर आपको पेमेंट वगैरह भी जो है अपने जो इन्फॉर्मेशन भरी वो सारी करेक्ट है फिर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपका जो प्ले स्टोर ऐप है इस पर आपको जो आपके फिंगर है उसको थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करके रखना है इस तरीके से। जैसे आप लोग यहाँ पर रख के रखोगे तो आपके सामने इस तरीके से कुछ सेटिंग्स ओपन होकर आएगी, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी ये वाली या फिर ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ सेटिंग्स यहाँ पर ओपन होकर आएगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फोर्थ स्टॉप पर क्लिक करना है और फोर्थ स्टॉप करना है, उसके बाद स्टोरेज यूजेस पे जाना है और क्लियर कैच और क्लियर ऑल डाटा कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको बैक आना है, उसके बाद आपको आपके मोबाइल को एक बार जो है स्विच ऑफ कर लेना है या फिर रिस्टार्ट कर लेना है, पावर बटन दबा के आपको आपके मोबाइल को एक बार या तो रिस्टार्ट कर लेना है या फिर जो है फिर पावर ऑफ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देन आपको आपके प्ले स्टोर को ओपन करना है, प्ले स्टोर को ओपन जैसे आप लोग ओपन करोगे उसके बाद आपको आपके प्ले स्टोर को यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है, तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर को जो है ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर को दोस्तों यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट साइड में आपको आपके जो है यहाँ पर प्रोफाइल का लोगो दिखाई देगा आपका ईमेल आईडी का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ सेटिंग्स यहाँ पर ओपन होकर आएगी, तो आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग्स के नाम से, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको जो यहाँ पर क्या करना है, पर फिर से काफ़ी सारे सेटिंग देखने को मिलेगी, तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अबाउट का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको नीचे नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर प्ले स्टोर वर्जन के नीचे, आप यहाँ पर अपडेट प्ले स्टोर का, तो अगर आपका प्ले स्टोर अपडेट नहीं है तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को अपडेट कर लेना, तो क्या करना आपको अपडेट प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, तो आपको प्ले स्टोर जो है अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो पहले से अपडेट है तो यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल प्ले स्टोर इज अप टू डेट, तो अगर आपका पहले से अपडेट होगा तो इस तरीके से लिखा आएगा, अगर आपका अपडेट नहीं है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करके आपको सबसे पहले अपडेट कर लेना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद अब आप लोग यहाँ से जिस भी ऐप को परचेज करना चाहो उस ऐप को जो है सर्च कर लेना है। सब लोग यहाँ पर जैसे मैंने ऐप जो है सर्च कर लिया, अब आप लोग इसको परचेज करोगे तो आपका ऐप जो है इजीली परचेज हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं परचेज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से आएगा तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं आप लोग जब भी किसी से भी यहाँ पर जो पेमेंट करो तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको करेक्ट बननी है। उसके बाद दोस्तों आपका जो बैलेंस जो आपका जिससे भी आप लोग यहाँ पर पेमेंट करो तो आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर जो है आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा, वरना आपको यहाँ पर फिर से जो है एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जिससे भी पेमेंट करो इन्फॉर्मेशन करेक्ट बननी है, बाकी आप लोग जिससे भी करना चाहो पेमेंट कर दो, अब आपका जो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो एरर आ रहा था वो आपका जो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको फिलहाल पेमेंट करके नहीं दिखा रहा, बाकी इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप लोग जिससे पेमेंट करना चाहो ईजीली जो है कर सकते हो, अब आपको वो एरर आ रहा था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से आप लोग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। तो आज के इस